हेलो फ्रेंड्स, ये शादी मुबारक में आज की शुरुआत होती है जहां पर रति और तरुण के साथ में प्रीति अपने घर आ रही होती है। तभी उसके फोन पर जूही का कॉल आता है और रति प्रीति से कहती है कि दीदी को कुछ मत बताना क्योंकि ये तो हमारे घर की बात है ना। और वो प्रीति रिसीव करती है कॉल और उसकी बेटी पूछती है कि माँ कहाँ है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और कोई बात नहीं करती है, जिसके बाद में जूही को शक हो जाता है कि माँ ने ऐसे फोन रखा है। प्रीति बहाना बना देती है कि यहाँ पर बहुत शोर है और मैं प्रीति रति और तरुण के साथ में घर से बाहर हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जूही को सब समझ आ रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और वही दिखाया जाता है कि वो तीनों ही घर पे पहुंचते हैं और प्रीति कुछ भी बात नहीं करती। तरुण और रति उसको मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अपने रूम का दरवाजा बंद कर अंदर चली जाती है। रति और तरुण की नजर पड़ती है कार वाली की पर और वो काफी खुश हो जाते हैं कि माँ ने गाड़ी दी है और उसमें एक कार्ड भी रखा होता है की के साथ में, जिसको पढ़कर तरुण बताता है, जिसमें लिखा होता है कि सपने तेरे हुए तो की आंखें तो मेरे ही दिए ना, कोई अधूरा नहीं रहना चाहिए तेरा सपना। और तरुण और रति खुश हो जाते हैं और रति कहती है शायद माँ ने अलमीरा बेच दी है, जिसके बाद में वो काफी खुश हो जाते हैं। रति कहती है सुबह तक देखना, माँ तो ज्यादा देर तक रूठ नहीं सकती, गाड़ी तो आई गई ना और अगले तो हमें मना ही लेंगे। और वो काफी खुश होते हैं गाड़ी को लेकर, लेकिन प्रीति का कोई उन्हें टेंशन नहीं रहता और दिखाया जाता है कि वो खाना भी नहीं खाती है। और प्रीति काफी परेशान होती है कि उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है और वो काफी ज्यादा परेशान नजर आती है। वही दिखाया जाता है कि केटी घर लेकर पहुंचता है अलमीरा को और उसकी मॉम उसके रूम में अलमीरा देखकर काफी खुश हो जाती है कि ये अलमीरा तो बनाने वाले ने तुम्हारे रूम के लिए बनाई थी, लगता है कि शायद इसी चीज की कमी थी इस रूम में। जिसके बाद में केटी कहता है कि उसको तो अपने पिंपल को लेकर काफी परेशान है कि अब तो मुझे डाइट करनी ही पड़ेगी नहीं तो मेरे फैंस को काफी बुरा लगेगा। और केटी वहां पर अपनी आपकी केयर करते हुए नजर आता है। उसकी मॉम कहती है कि किस बताओ ना किसने दी है, इसने तो काफी अच्छे से डिजाइन किया है। तरुण वहां पर केटी कहता है कि नहीं, ये तो किसी ने मजबूरी में मुझे बेची है। सुबह होती है जहाँ पर दिखाया जाता है कि केटी अपने घर वालों के सामने नाश्ता कर रहा होता है और वहाँ पर उसके मूवी का गाना बजता है और वो सब चारों पांचों डांस करते हुए नजर आते हैं। केटी और सारे घर वाले काफी खुश होते हैं। तभी वहां पर एक बुके लेकर आता है उनका सर्वेंट और बुके में एक कार्ड भी लिखा होता है कि हैप्पी एनिवर्सरी। और ये देखते ही केटी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, सारे घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद में वो जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगता है और उसकी चाची उसको चीज को घुमाने के लिए कहती है कि ये की जो तुम्हारी अलमीरा में मिली थी कहीं उसकी तो नहीं रहेगी जिसने तुम्हें बेची है। केटी कहता है कि हाँ उनकी है, मैं दे आऊंगा। उसकी मॉम कहती है कि जरूरत भी है तुम्हें जाने की, वो खुद आगे ले जाएंगे। लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो बहुत परेशान है, फिर और किसी को क्यों ज्यादा परेशान करना। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रति और तरुण काफी प्रीति को बनाने के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं और रति उसके लिए मनपसंद खाना बनाकर तैयार कर देती है। तरुण कहता है कि मोम उठी नहीं है, तो रति कहती है चलो हम ही मना लेते हैं और देखते हैं कि वो तो प्रीति तो सामान पैक कर रही है। रति और तरुण उसको मनाने की कोशिश करते हैं और वहां पर नौटंकी करने की कोशिश करते हैं उसको मनाने की। और रति और तरुण उसको कहते हैं कि आप यहीं रहेंगे, लेकिन प्रीति कहती है कि मुझे कुछ दिन बूंदी वाले घर ही रहना है। लेकिन रति और तरुण वहां पर बहाना बना देते हैं कि तुम हमारे साथ ही रहोगी और हमें कुछ भी नहीं सुनना है। जिसके बाद में दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल सुनती नहीं है, लेकिन वो वहां पर कहती कि नहीं मुझे जाना ही होगा और भगवान की फोटो उठाकर जाने ही वाली होती है। लेकिन तरुण कहते थे कि तुम जाओगी कहाँ, बूंदी वाला घर तो मैंने भेज दिया है। और ये सुनते ही प्रीति के होश उड़ जाते हैं कि ये तुम्हें घर भेजे, तुम्हें मुझे बताया भी नहीं कि तुम जो इस आराम से इस घर में रह रही हो ना, वो घर के ऐसे ही नहीं आया, उसका डाउन पेमेंट मैंने उस घर को भेज के ही किया, मेरे को डाका नहीं डाला है। और प्रीति को बहुत झटका लगता है कि उसने बिना बताए घर भेज दिया है। लेकिन तरुण को उसको फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि मुझे जल्दी से रति के ऑफिस भी जाना है क्योंकि इसकी बॉस अभी तक मानी नहीं है कल वाली बात पर। और रति कहती है कि मोम आप खाना खा लीजिएगा, आप कल से कुछ खाना नहीं खाया है, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो उसको नौटंकी कर रही होती है और रति और तरुण दोनों ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। प्रीति काफी परेशान होती है और दिखाया जाता है कि प्रीति आश्रम में लड्डू पैक कर कर ले जा रही होती है। तभी उसकी बेटी जूही आती है और कहती है कि मम तुम परेशान नजर आ रहे हो। और ये दोनों ही काफी इमोशनल हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। प्रीति फिर भी कुछ नहीं बताती कि कुछ नहीं हुआ है, तुम भी तो बेटियां ऐसी होती इमोशनल कर देती है और कुछ भी नहीं हुआ है। जो ये कहती कि जो भी हुआ लेकिन तुम मुझे बताना जरूर। और वो बताती कि तुम्हें पता है केटी ने तुम्हारी एक पोइम वायरल कर दी, तुम उनसे मिलना जरूर, मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे जल्दी ही मिलो। दिखाया जाता है कि जूही कहती कि हाँ लेकिन मैं उनसे पोइम्स अपनी वापस मांग लूंगी। जूही कहती है कि जो भी प्रॉब्लम है ना तुम मुझे बताना जरूर। और दिखाया जाता है कि जूही वहां से निकल जाती है और वहां पर प्रीति भी लड्डू लेकर आश्रम के लिए निकल रही होती है। लेकिन प्रीति को चक्कर आ जाते हैं और देखते हैं कि एक दुपट्टा उड़कर पंखे में फंस गया है, जिसकी वजह से प्रीति टेबल पर चढ़कर उसको उतारती है। और वहीं पर उसी टाइम केटी पहुंच जाता है और केटी को लगता है कि वो शायद
सुसाइड करने की कोशिश कर रही है और प्रीति को रोकता है। तभी प्रीति उसको देखते ही बेहोश हो जाती है और कैटी उसको संभालता है। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कैसे घर पर हंगामा हो जाता है और तरुण और रति प्रीति पर काफी गुस्सा होते हैं कि आत्मसम्मान यहाँ मेरे घर में नहीं चलेगी, नौटंकी। और प्रीति का हाथ पकड़कर सुमेध और जुई के घर सामने घर से बाहर फेंक देते हैं, जिसके बाद जुई और सुमेध अपने घर प्रीति को लेकर आते हैं और उसकी सास शॉक्ड हो जाती है कि अब मेरी समधन भी यहाँ पर रहेगी। अब आने वाले एपिसोड में कैसे अब प्रीति अपना आत्मसम्मान बचाती है और कैसे अब वापस से ये शादी मुबारक की कंपनी शुरू होती है, तो दोस्तों आने वाला एपिसोड भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां पर केटी और प्रीति की अलग ही केमिस्ट्री दिखाई जानी है। तो आप कितना एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड के लिए, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पर हम शादी मुबारक सीरियल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।